विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस बीजेपी सहित सभी पार्टी प्रचार प्रसार में जुटी है, लेकिन मुकाबला अगर कहा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही देखने को मिल रहा है। भोपाल के दक्षिण पश्चिम से कांग्रेस ने पीसी शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। इसी कड़ी में पीसी शर्मा जनता के बीच में जा रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस ने दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा पर फिर भरोसा जताया है। पीसी शर्मा जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। शर्मा जी, किस तरह का आपका जनसंपर्क है और किस तरह का आपको यहां पर जनाधार मिल रहा है जनता का? ये जो जनसंपर्क है, ये जनसंपर्क है, इनसे संपर्क में हूँ, पहले से हूँ। एक बहुत बड़ी कथा आपने यहाँ दो महीने पहले कराई थी और काफी लोगों से उस समय इंटरेक्शन हुआ था। प्राची देवी कथा हुई थी और एक क्योंकि चुनाव है इसलिए लोगों को जो हमारे एजेंडे हैं, जो हमारा वचन पत्र है कमलनाथ जी वो दे रहे हैं लोगों को और उसे मिल रहे हैं और जन समर्थन अपार है। आपके विपक्ष में सबनानी जी हैं, चूंकि बीजेपी से हैं तो आपको कितनी कड़ी टक्कर लगती है? देखिए, कमलनाथ जी एक बात कहते हैं कि ये बीजेपी के पास संगठन है और ये प्रशासन का पावर है और पैसा है, लेकिन हमारे पास कमलनाथ जी का बनाया हुआ संगठन है जिसमें ब्लॉक मंडलम सेक्टर और बूथ के कार्यकर्ता हैं और जनता का आशीर्वाद है। और जो 5 साल मैंने काम किए हैं लोगों के बीच में रहा हूँ, ये सब मिला के जब तोलेंगे तो पड़ला भारी बैठेगा हमारा। बिल्कुल, पीसी शर्मा जी का कहना है कि 5 साल हमने जनता के बीच में काम किए हैं और वही काम को लेकर के आज वो जनता के बीच में जा रहे हैं, इसलिए पीसी शर्मा पर जनता भरोसा जता रही है और कांग्रेस के जो वचन पत्र हैं उन पर भी भरोसा जता रही है। लेकिन ये वक्त बताएगा कि पीसी शर्मा यानी कांग्रेस आती है या बीजेपी। कैमरा पर्सन सुशील यादव के साथ में जीएस ठाकुर, टीवी 24 भोपाल।